डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टूडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, यस्टरडे वीडियो में हमारा टॉपिक था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसमें हमने यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखा है। स्टूडेंट, टूडेज अवर टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 12 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम्स on the first floor. If the number of rooms on the first floor is 8, so how many rooms does the ground floor have? Student, जब भी हमें word problem given हो, उनको solve करना हो, so इसके लिए rule है कि आपको पहले, सबसे पहले जो problems given है उसको consider करना है, means उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जब हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे सो हमें क्वेश्चन की प्रॉब्लम हमें समझ में आएगी। सो उसकी हेल्प से हम जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी गिवन है हमें, उसकी डेटा गिवन है, उस डेटा को हमें मैथमेटिकली स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, देन हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। सो क्वेश्चन में गिवन है कि द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स के नंबर कितने हैं, 12 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के ट्वाइस से 12 लेस देन है। ओके, अब हमें फर्स्ट फ्लोर में कितने रूम्स है ये फाइंड करना है। सो ये तो गिवन है कि इफ द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर इज 8, फर्स्ट फ्लोर में कितने रूम्स है, 8 द नंबर ऑफ रूम्स, रूम्स कितने हैं फर्स्ट फ्लोर में, 8 रूम्स हैं। सो हमें जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर रूम्स कितने हैं ये फाइंड करना है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में रूम्स फाइंड करना है। हमें क्या गिवन है कि द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर जो रूम्स हैं वो कितने हैं, 12 लेस देन है ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। मीन्स फर्स्ट फ्लोर में जितने रूम्स हैं उनका तो ट्वाइस, मीन्स 2 का मल्टीपल। ओके, जो फर्स्ट फ्लोर है उसके रूम नंबर ऑफ रूम्स का ट्वाइस और उससे भी 12 लेस देन इतने रूम हैं ग्राउंड फ्लोर पर। ओके, तो हमें नंबर्स फाइंड करना है कि कितने टोटल ऑफ नंबर्स रूम कितने हैं ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें रिटर्न है वर्ड्स में, अब इसे हम मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे। सो स्टार्ट सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए, हमें फर्स्ट फ्लोर के रूम्स दिए हैं, प्लस फर्स्ट फ्लोर में रूम्स कितने हैं, 8। ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर में रूम्स हमें फाइंड करना है कि टोटल ऑफ नंबर्स रूम कितने हैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो ये फाइंड करना है। सो इसके लिए हमें स्टेटमेंट गिवन है कि ग्राउंड फ्लोर पर कितने रूम्स हैं, 12 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। मीन्स 8 कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पर रूम्स हैं, तो इसका तो ट्वाइस, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और माइनस 12। यही स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट में, ध्यान से पढ़िए, द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर कितने रूम्स हैं, 12 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। Twice the number of rooms on the first floor. First floor के twice से 12 less than. So first floor पर 8 rooms है, so उसका twice 2 multiply by 8. ठीक है, and minus 12. Minus 12 क्यों लिखा है, because वहाँ लिखा है कि 12 less than है, so इसीलिए लिखा है हमने minus 12. Clear that? So ground floor में rooms हमें find हो गए यहाँ पर, 8 टू जा 16 माइनस 12, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4 रूम्स हैं। हाउ मेनी रूम्स डज द ग्राउंड फ्लोर, सो 4 रूम्स हैं ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, सो दैट इज आंसर। सो स्टूडेंट, दैट मीन्स कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमें गिवन है इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसको आप मैथमेटिकली स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें, उसके बाद हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
स्टूडेंट वी फॉरवर्ड एक नेक्स्ट एग्जाम्पल. देखिए एग्जाम्पल को हम केयरफुली रीड करते हैं कि क्वेश्चन में आखिर कहा गया क्या है और हमसे पूछा क्या है. ठीक है. सो वन एप्पल वेट 74 ग्राम एंड वन ऑरेंज वेट 42 ग्राम. वन एप्पल और वन ऑरेंज का वेट गिवन है कि वन एप्पल मीन्स एक एप्पल कितने ग्राम का है, 74 ग्राम का है, और वन ऑरेंज का वेट है 42 ग्राम. ओके, काई में मेजर है ये ग्राम में, यूनिट्स भी ध्यान रखिएगा, काई में मेजर है ग्राम में. ठीक है. डिटरमाइन द वेट ऑफ 132 सच एप्पल्स एंड 46 सच एप्पल्स ऑरेंजेस इन किलोग्राम्स. देखिए यहाँ पर काई में पूछा है हमें किलोग्राम में, डेटा हमें काई में गिवन है ग्राम में, बट आंसर हमें काई में चाहिए किलोग्राम में. याद रखिएगा है ना, क्वेश्चन को हम केयरफुली रीड करके ये ऑब्जर्व करना है कि हमें वैल्यूज गिवन है ना, वैल्यूज गिवन है तो उसकी यूनिट क्या है और जो हमसे पूछा गया है वो कौन सी यूनिट में पूछा गया है. ठीक है. सो क्वेश्चन को इसीलिए केयरफुली रीड किया जाता है. सो स्टूडेंट देखिए हमें यहाँ पर वन एप्पल का वेट दिया है और वन ऑरेंज का वेट दिया है. ठीक है. और हमसे पूछा गया है कि वेट ऑफ 132 सच एप्पल्स एंड 46 सच एप्पल्स ऑरेंजेस, इन दोनों के टोटल वेट को हमें फाइंड करना है किलोग्राम में. सो वन की वैल्यू फाइंड है हमें और ज़्यादा की वैल्यू पूछी है ना. देखिए वन एप्पल की वैल्यू में डेटा दिया है 74 ग्राम वन एप्पल के लिए, और 132 के लिए हमें फाइंड करना है. सो वी नो दैट कि वन की वैल्यू दी है और ज़्यादा की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. जैसे वन एप्पल की कॉस्ट है 1 रुपीज़. ओके, तो टू एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, 2 रुपीज़. सो मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. इसी तरह सो सॉल्यूशन कॉस्ट ऑफ वेट दिया है हमें ना, वेट ऑफ वन एप्पल का वेट गिवन है 74 ग्राम और वन ऑरेंज का वेट कितना है 42 ग्राम. ठीक है. अब हमें क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ 132 सच एप्पल्स, 132 एप्पल्स का वेट कितना होगा, 74 में 132 का मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 74 में 132 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी फाइंड दैट 132 में 74 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 42 जा 8, 43 जा 12 से 2 कैरी 1, 41 जा 4 और 1 5. देन नेक्स्ट डिजिट से 72 जा 14 से 4 कैरी 1, 73 जा 21 और 1 22 से 2 कैरी 2, 71 जा 7, 7 और 2 9, 8 4 और 2 6, 5 और 2 7 9. सो दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड हुआ है 9768 ग्राम. ये हमने क्या फाइंड किया है, 132 एप्पल्स का वेट फाइंड किया है. ठीक है, वेट फाइंड किया है 132 एप्पल्स के लिए. हमें ऑरेंजेस का भी वेट, कितने ऑरेंजेस का वेट चाहिए हमें, 46 ऑरेंजेस का वेट चाहिए. सो 46 ऑरेंज 42 मल्टीप्लाई बाय 46. ठीक है, 62 जा 12 से 2 कैरी 1, 42 जा 8 और 1 9, 64 जा 24 से 4 कैरी 2, 44 जा 17, 18, 2 9 और 4 13 से 3 कैरी 1, 8 और 1 9 देन 1. ठीक है, 1932. ये हमने एप्पल और ऑरेंज का वेट फाइंड किया है.
कि वी नो दे वी फाइंड हमें गिवन है कि वन एप्पल का वेट है 74 ग्राम, तो 132 एप्पल्स का वेट होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह वन ऑरेंज का वेट है 42 ग्राम, सो 46 ऑरेंज का वेट फाइंड करना है, सो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सो इसका प्रोडक्ट इज 1932। अब हमें पूछा है कि दोनों का टोटल वेट जो कि किलोग्राम में पूछा गया है, ठीक है, तो हम इसका टोटल वेट फाइंड कर लेते हैं। पहले टोटल वेट ऑफ 132 एप्पल्स एंड 46 ऑरेंजेस, ओके, सो 9768 प्लस 1932 ग्राम। यूनिट्स को मेंशन करना नहीं भूलना है हमें, यूनिट्स को मेंशन ज़रूर करना, ठीक है। 8 और 2 10 से 0 कैरी 1, 6 और 1 7 और 3 10 से 0 कैरी 1, 7 और 1 8 प्लस 9 17 से 7 कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है। ये है हमें ग्राम में फाइंड हुआ है 11,700 ग्राम। टोटल वेट कितना है 11,700 ग्राम। ये वैल्यू हमें काय में चाहिए, किलोग्राम में। सो स्टूडेंट ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो वी नो दैट कि स्मॉल यूनिट है और किलोग्राम बिगर यूनिट है, ठीक है। स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वेरी गुड, डिवाइड करेंगे, फोर इच स्टेप 10, है ना। सो हमने जिस कंसेप्ट का स्टडी वीडियो में यूज़ किया था, मीन्स जो कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं वही कंसेप्ट से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो 11,700 ग्राम, ये हमें ग्राम में गिवन है। वी नो दैट कि वन जब हमें डिवाइड करना है ना, सो ग्राम बेसिक यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, किलो हेक्टो डेका ग्राम, इसके बाद है डेसी सेंटी और मिली, ठीक है। अब हमें ग्राम से किलो में कन्वर्ट करना है, तो पहले ये 10, देन ये 10, देन थर्ड 10, सो 10 मीन्स 1000, तो डिवाइडेड बाय किससे करना होगा, 1000 से, ठीक है। सो 11,700 अपॉन 1000, ये वैल्यू काय में हो गई, किलोग्राम में, ठीक है। अब जब हम 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे, सो क्वेश्चन हमें फाइंड होता है 11,007, बिकॉज देखिए हमने फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा है, वो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर 1, 2 और 3 0 हैं, ठीक है। जब हम 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसमें ज़ीरोज़ को कंसिडर करते हैं, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने डिजिट से पहले हम डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है 1, 2 और 3, सो हमें फाइंड होगा यहाँ पर 11.700, 7 के बाद 00 ही, सो हम इसे हटा करके भी लिख सकते हैं, सो दैट इज़ आंसर 11.7 किलोग्राम। सो टोटल वेट कितना है, 132 एप्पल्स एंड 46 ऑरेंजेस का टोटल वेट है 11.7 केजी, दैट इज आंसर, वेरी सिंपल, ओके स्टूडेंट। सो ये कंसेप्ट को याद रखना है हमें, क्योंकि हम जब यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे तो ये कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए, इसके बेसिस पर हम कन्वर्ट करेंगे, ओके। सो हमें क्या करना है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को केयरफुली रीड करना है, ओके, इसे समझना है कि हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, सो थैंक यू स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, डिस्कस करेंगे अभी हम। देखिए जो यूनिट्स हैं मेजरमेंट के लिए, जो यूनिट्स हैं जिनका हमने कन्वर्जन सीखा है, ओके, कौन कौन सी है, किलो हेक्टो डेका मीटर, ओके, डेजी सेंटी मिली, ये यूनिट्स हैं, ओके। सो
किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनके शॉर्ट फॉर्म है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके शॉर्ट फॉर्म कौन से लेटर्स में होते हैं? स्मॉल लेटर्स में होते हैं। कौन से लेटर्स में होते हैं? स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, सो किलोमीटर के लिए के एम स्मॉल लेटर यूज़ करना है, इनके साथ कोई डॉट नहीं लगेगा। के एम, हेक्टोमीटर के लिए एच एम, डेकामीटर के लिए डी ए एम, मीटर के लिए एम शॉर्ट फॉर्म है, डेसीमीटर के लिए डी एम शॉर्ट फॉर्म है, सेंटीमीटर के लिए सी एम और मिलीमीटर के लिए एम एम। ठीक है, लेटर्स कैसे रहेंगे? सारे लेटर्स स्मॉल लेटर हैं, इनके साथ कोई भी डॉट नहीं लगाना है, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। किलोमीटर के लिए के एम, हेक्टोमीटर के लिए एच एम, डेकामीटर के लिए डी ए एम, मीटर के लिए एम, डेसीमीटर के लिए डी एम, सेंटीमीटर के लिए सी एम, मिलीमीटर के लिए एम एम। जब हम मेज़र कर रहे हैं लेंथ को तब, ठीक है, जब हम मेज़र करते हैं ग्राम, वेट को मेज़र करते हैं, मेज़र करते हैं हम वेट को, तब बेसिक यूनिट होती है ग्राम। सो के जी किलोग्राम, एच जी हेक्टोग्राम, डी ए जी डेकाग्राम, बेसिक यूनिट ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। जब हम वेट को मेजर करते हैं सो किलोग्राम, किलोग्राम के लिए के जी, सारे लेटर्स कैसे हैं? स्मॉल लेटर्स हैं। के जी, हेक्टोमीटर के लिए एच जी, डेकामीटर के लिए डी ए जी, ग्राम, बेसिक यूनिट ग्राम, डेसीग्राम के लिए डी जी, सेंटीग्राम के लिए सी जी, मिलीग्राम के लिए एम जी। इनके साथ कोई डॉट नहीं लगाना है और लेटर्स कैसे रहेंगे? स्मॉल लेटर्स रहेंगे। क्लियर डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, सो ध्यान रखिएगा इनका। ओके,